दोस्तों यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में शनि की स्थिति। शनिदेव जन्म कुंडली के किस भाव में बैठकर व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में शनि शुभ भावों में है, शुभ स्थिति में है, तो शनि की महादशा और अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति को करोड़ों का फायदा होता है। साधारण पृष्ठभूमि का होने के बाद भी ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, उच्च पद की प्राप्ति होती है, मंत्री पद प्राप्त होता है, व्यापार में बड़ी सफलताएं मिलती हैं। लेकिन यदि किसी की जन्म कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है तो शनि की महादशा और अंतरदशा ऐसे व्यक्ति को बर्बाद करके रख देती है। करोड़पति आदमी को भीख मांगने की नौबत आ जाती है, शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, यहाँ तक कि जेल की हवा भी खानी पड़ जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कहाँ पर शुभ होती है, कहाँ पर अशुभ होती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए विलंब न करते हुए विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लग्न भाव की। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पहले भाव में शनि है तो ऐसा व्यक्ति क्षितिपाल तुल्यो राजा के समान होता है, अपने जीवन में मंत्री पद की प्राप्ति करता है, बड़ा व्यापारी होता है, विशेष रूप से लोहे की उसकी फैक्ट्रियां होती हैं, लोहा डीजल पेट्रोल से संबंधित कामों में बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है, सट्टा जुआ शेयर मार्केट में भी ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। लेकिन शनि लग्न में केवल 5 राशियों में ही फायदा करता है। कन्या लग्न वाले जातकों को फायदा करेगा, वृष लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन 5 राशियों को छोड़कर कोई भी राशि लग्न में है तो शनि के फल वहां पर विपरीत होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते। बात करते हैं दूसरे भाव में शनि की उपस्थिति की। दोस्तों दूसरे भाव में शनि जिसके होता है ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं होता, सुंदरता उसके चेहरे में नहीं होती। द्वितीय भाव में शनि सुंदरता को पनपने नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को कुटुंब से सहयोग नहीं मिलता, ऐसे व्यक्ति की आकस्मिक धन हानि होती रहती है। शनि की महादशा और अंतरदशा में खासकर चेहरे में चोट लगने का और आंखों की रोशनी चले जाने का या कम हो जाने का भय बना रहता है। तीसरे भाव में शनि व्यक्ति को महापराक्रमी बनाता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर आलस्य बिल्कुल भी नहीं होता, पूरी मेहनत से अपना काम करता है और उसकी मेहनत का फल भी उसको मिलता है। कभी कभी तीसरे शनि जिसके होते हैं दृष्टि 9वें स्थान में होने पर उसके बनते बनते काम थोड़े बिगड़ जाते हैं, लेकिन बाद में वह उनको अपनी मेहनत से, परिश्रम से, व्यवहार कुशलता से संभाल लेता है। दोस्तों चौथे भाव में शनि भवन, भूमि, वाहन और माता, इन चारों सुखों में कमी करता है। चौथे स्थान में शनि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो वाहन उसको देखकर चलाने चाहिए, वाहन खरीदते समय और बेचते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जमीन जायदाद का कोई झगड़ा है तो उसमें सावधानी बरते, और चौथे शनि माता के शरीर में वायु संबंधित कोई विकार, कोई बीमारी जरूर देते हैं। शनि की महादशा और अंतरदशा में ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जिनके चौथे स्थान में शनि होते हैं। पांचवें शनि व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करते हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत सारे काम चेंज करता रहता है, नौकरी है तो नौकरी को बदलता रहता है, व्यापार है तो कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, सफलताएं 42 वर्ष के बाद ही ऐसे व्यक्ति को मिलती है। छठे शनि जिस व्यक्ति के होते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर थोड़े से पैसों से भी अपना व्यापार शुरू करता है तो बहुत कम टाइम में करोड़पति हो जाता है। राजनीति में एंट्री करता है तो 3 से 4 साल के अंतराल में बड़ा राजनीतिज्ञ बनता है और किसी न किसी पद की प्राप्ति करता है।
छठवें शनि जिस व्यक्ति के होते हैं, ऐसा व्यक्ति लड़ाकू जिद्दी स्वभाव का होता है और अपने जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता से, मेहनत से, परिश्रम से बहुत धन संपत्ति अर्जित करता है। कुल मिलाकर के छठे शनि जिन लोगों के होंगे, शनि की महादशा और अंतरदशा में ऐसे व्यक्तियों को बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हैं। सातवें स्थान में शनि पत्नी के स्वास्थ्य को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। जिनके सातवें शनि हैं, शनि की महादशा और अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति की पत्नी बीमार पड़ती है। व्यापार में फायदा तो होता है लेकिन तनाव का माहौल हमेशा बना रहता है, लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं और यात्रा में ऐसे व्यक्ति का सामान चोरी हो जाता है बहुत ज़्यादा, और यात्रा में तनाव ऐसे आदमी को झेलना पड़ता है। दोस्तों, अष्टम भाव में शनि व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। अष्टम भाव में शनि जिसकी कुंडली में है, ऐसे व्यक्ति को शनि की महादशा और अंतरदशा में गुप्त धन की प्राप्ति होती है। अचानक से शेयर मार्केट या कोई भी फॉर्मेट है, कमोडिटी मार्केट, सट्टा जुआ जो भी है, उसमें आठवें शनि वाला बड़ा धन प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को पर धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। नवें स्थान में शनि व्यक्ति के भाग्य में रोड़े अटकाता है, रुकावटें डालता है। जब भी व्यक्ति कोई बड़ा काम करने चलता है तभी कोई ना कोई बाधा उसके स्वास्थ्य में आ जाती है, या उसके परिवार के लोग ही उसकी टांग खिंचाई करते हैं, कुछ ना कुछ बाधाएं उसके जीवन में कंटिन्यू बनी रहती हैं। दसवें स्थान में शनि दोस्तों, जहां पर दशम भाव लिखा हुआ है वहां पर शनि अगर विद्यमान है तो ऐसे व्यक्ति का क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है, जान पहचान बहुत लंबी चौड़ी होती है। ऐसे व्यक्ति को सभी मान सम्मान करते हैं, सभी उसका अदब करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। अगर दसवें शनि शुभ राशियों में है, कन्या, वृष, तुला, मकर या कुंभ राशि में है, तो व्यक्ति बड़ा राजनीतिज्ञ होता है, बड़ा व्यापारी होता है। ऐसे व्यक्ति की पहुंच सरकारी अफसरों तक होती है। दोस्तों, ग्यारहवें स्थान में जिसके शनि होते हैं उसके ऊपर साक्षात देवी लक्ष्मी कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति को पैसा रुक रुक करके आता रहता है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुले रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को ग्यारहवें शनि जिसकी कुंडली में है, शनि की महादशा और अंतरदशा में आकस्मिक इतने धन की प्राप्ति ऐसे आदमी को होती है कि वह संभाल नहीं पाता, उसके सारे काम बनते चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। दोस्तों, बारहवें स्थान में शनि जिसके होते हैं, ऐसा व्यक्ति मूढ़ होता है, मूर्ख होता है। बारहवें स्थान में शनि व्यक्ति बिना मतलब के खर्चे करता रहता है, बुद्धि बहुत ज्यादा काम नहीं करती, जस्टिस पावर, निर्णायक क्षमता ना के बराबर होती है, बाईं आंख में प्रॉब्लम आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। और बारहवें स्थान में शनि जाने पर जो सबसे बड़ा नुकसान है व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि शनि की दृष्टि धन भाव पर भी रहेगी, वह एक तो शनि की महादशा और अंतरदशा में जीवन में चाहे उसने जितना भी पैसा कमाया हो, लेकिन सारा पैसा वह किसी दुर्व्यसन में, किसी गलत आदत में खराब कर देता है, इसकी पूरी संभावना जीवन में बनी रहती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अशुभ स्थानों में शनि जाने पर उपाय के विषय में। वीडियो को बहुत लंबी ना करते हुए मैं तीन उपाय आपको बताऊंगा जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं और शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति दिलाने वाले हैं। पहला, अच्छी श्रेणी का श्रीलंका का नो ट्रीटमेंट, शुद्ध नीलम रतन धारण करें। जरूरी नहीं है कि आप महंगा नीलम ही पहने, शुद्ध नेचुरल नो ट्रीटमेंट सस्ता नीलम भी लाभ करता है। यह शनि की महादशा और अंतरदशा में विशेष फायदा करता है, लेकिन नीलम अच्छे ज्योतिषी की सलाह के बाद ही आप धारण करें। नंबर दो, घोड़े के नाल का छल्ला, काले घोड़े की पैर के लोहे का छल्ला या नाव की कील का छल्ला शुभ मुहूर्त में शनिवार के दिन पहनने से भी शनि संबंधित कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर तीन, भैरव जी की नियमित उपासना करने से शनि, राहु और केतु तीनों ग्रहों की अशुभ स्थिति से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसी ही शानदार जानकारी के साथ निकट भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।